बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं इनायतुल काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इंफॉर्मेशन। लीगल इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। अभी मैंने रिवाइज पेंशन के हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर की है और उसके फौरन बाद एप्वा की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ मुझे जारी हुई है और मैं उस पर आपको ब्रीफ दे देता हूँ कि जिसका उन्वान है आखिर ये जुल्म कब तक, और उसमें कुछ ज़रूरी वजाहतें भी की गई हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टील के पेंशन मुजाहरे में एप्वा शरीक नहीं हुई क्योंकि एप्वा पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। उसने तो शिपयार्ड और नेशनल रिफाइनरी, आगा खान अस्पताल और दीगर इदारों के पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज़ करानी है और इन इदारों ने भी तमाम वाजबात की अदायगी कर दी है। पाकिस्तान स्टील के ये पेंशनर्स हमारे पेंशनर साथी हैं। हमने अपने इन पेंशनर साथियों को इस मुजाहरे में शरीक होने से मना नहीं किया क्योंकि एहतजाज उनका बुनियादी हक है। एक तरह से ये मुजाहरा अपनी जगह ठीक था क्योंकि वाकई रीजनल डायरेक्टर बिन कासिम मलीर लैतोलाल से काम ले रहे हैं। अब इन पेंशनर से डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जबकि उनके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। अक्सर पेंशनर्स कराची से बाहर अपने आबाई इलाकों में रिहाइश पजीर हो चुके हैं। इन बुज़ुर्ग पेंशनर्स में एक बेचैनी सी फैल गई है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स रीजन बिन कासिम कराची में कैसे जमा करवाएं। ये डॉक्यूमेंट्स रिलीविंग आर्डर की फ़ोटोकॉपी, पेंशन बुक या पेंशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ईओबीआई की फ़ोटोकॉपी, शाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि इदारा ईओबीआई में पूरा आईटी डिपार्टमेंट मौजूद है और इस महकमे का एक आईटी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर होने के बावजूद उनके पास जिन पेंशनर्स को हर माह पेंशन दे रहे उनके पास इन पेंशनर्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। एप्वा ईओबीआई इंतज़ामिया से ये पूछने पर हर हक बजाने बाय कि आखिर के इलेक्ट्रिक का होंडा एटलस और दीगर इदारों के पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज किस तरह की गई, पाकिस्तान स्टील और शिपयार्ड नेशनल रिफाइनरी के साथ ज्यादती क्यों, इनको माजूर और बेबस पेंशनर्स को तंग करते हुए शर्म नहीं आती। हमारी जमा पूंजी से तमाम मरात ले रहे हैं लेकिन हमें हम मरात देते हुए डिले टैक्सेस क्यों बढ़ती जा रही हैं, आखिर ये सरापा एहतजाज नहीं होंगे तो क्या करें। बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल उठाया गया है और ये एहतजाजी मुजाहरे नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लिहाजा एप्वा को भी चाहिए क्या वो इनके मुजाहरों में शरीक हूँ, चूँकि जहाँ आपने दीगर इदारों की जंग लड़ रहे हैं तो इनकी जंग भी लड़नी चाहिए।